निकट ड्रामे में अब आप देखेंगे, युसरा फारूक से कहती है, मैं शादी के बाद इस घर में नहीं रहूंगी। जब नदीम का अपना घर है तो मैं क्यों इस घर में रहूं। उधर हमदान अनुषा को शादी के लिए प्रपोज करता है और अनुषा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उधर रायना ने फारूक को उमैमा की तरफ से बदगुमान कर दिया है। अब उमैमा अकेली हो गई है। वहाँ जबरदस्ती कुलसुम अपने भाई को लेके अनवर के घर घुस जाती है निकाह करवाने के लिए अनुषा से अपने भाई का। वहीं हमदान पुलिस लेके आ जाता है और उनको जेल हो जाती है। उधर हमदान नदीम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। रायना बहुत परेशान हो गई है कि किसी तरह हमदान की नज़र से बच सके, क्योंकि फारूक सबूत के साथ यकीन कर लेगा हमदान पे और रायना को घर से निकाल देगा। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या हमदान फारूक के खिलाफ जाके अनुषा से शादी कर लेगा? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आप में से बहुत से व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी सपोर्ट करें ताकि हमारी मोटिवेशन बने रहे और मजीद अपडेट्स आपके लिए लाते रहें। शुक्रिया।